चलिए आइए देखते हैं, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था और इसका एरिया निकालना था हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। पर आप एक बात समझिए पहले इस क्वेश्चन में, इसमें इस दो रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है। तो आप एक बात सीखें यहाँ पर ध्यान से, कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है ना सर, तो ये वाला भी जो हिस्सा है ये भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक बात है। और इसी तरीके से सर ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बस अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें, जो आप बात करेंगे ना इस वाले एरिया की, जो आप बात करेंगे इस वाले की, तो इसमें आप देखें कि ये लंबाई कितनी है इसकी, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। तो 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बात है ना। और जब आप बात करेंगे ना सर इसकी, जब आप बात करेंगे इस रेक्टेंगल की, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3, ये रहा 3, और यहाँ से लिखा था 1, 4 हो गया, ठीक है। 4, और ये कितना है 1, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजार, ठीक है बॉस।